साबिक नाजी फौजी को कैनेडियन पार्लियामेंट में मदऊ करने का मामला। ट्रूडो का कहना है, कनाडा यूक्रेन के मजबूत तरीन इतिहादियों में से एक है। हम अपने यूक्रेनी दोस्तों और हम मनसबों के साथ करीबी रबते में हैं। टोरंटो का सितंबर का गर्म मौसम अगले हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। माहरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो में सितंबर के मौसम के लिए ये मामूली महीना नहीं है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की कोशिश नाकाम। 298 अराकीन ने इकदाम के खिलाफ जबकि 132 अराकीन ने हिमायत में वोट दिया। रिपब्लिकन एंडी ऑगस्ट ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज पेश की। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा ने यूक्रेन के हुक्काम से इन दिनों में राबता किया है, जब से पार्लियामेंट ने यूक्रेन के सदर की मौजूदगी में नाजी यूनिट के एक साबिक फौजी को मदऊ किया था। ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा यूक्रेन के मजबूत तरीन इतिहादियों में से एक है और शर्मनाक वाक़े के बावजूद यूक्रेन के रहनुमा ये बात पूरी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि कैनेडा ने जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन को तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर की इमदाद फराहम की है। एक काबिल कदर माली अज़म जो जाहिर करता है कि कनाडा एक काबिल एतमाद इत्तेहादी है। ट्रूडो ने क्यूबेक में इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जाहिर है जब से ये खौफनाक वाकया जुमे को पेश आया है, हम अपने यूक्रेनी दोस्तों और हम मनसबों के साथ करीबी रबते में हैं। उनका कहना था कि हमने इस गैर मामूली अफसोस का इजहार किया है। जाहिर है कि तमाम कनाडा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा हुआ होगा, और उन्हें यकीन दिलाया कि हम रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत खड़े हैं। ज़राए ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा मिलानी जूली ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से बात की है और वज़ीर आज़म के दफ्तर के अमले ज़ेलेंस्की के अमले से रबते में है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो का सितंबर का गर्म मौसम अगले हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को है, क्योंकि दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। अगले हफ्ते की पेशन गोई मौसम के रुझान का तसलसल है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ गर्म लहर शामिल है। माहरीन के मुताबिक 26 मई और 27 सितंबर के दरमियान हर दिन टोरंटो में 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत लेकर आया। ये गर्म मौसम के लगातार 125 दिन हैं, जो 1991 में कायम 123 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इम्कान है कि ये नया रिकॉर्ड अक्टूबर के अवाल तक जारी रहेगा। माहरीन के मुताबिक टोरंटो में सितंबर के मौसम के लिए ये मामूली महीना नहीं है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है और इससे ज़्यादा धूप होती है, जो हम आम तौर पर साल में इस मुकाम पर देखते हैं। एनवायरनमेंट कनाडा की पेशन गोई के मॉडल्स ने सितंबर में गर्म मौसम की पेश गोई की है। अगरचा दिन कम होने के साथ ही इस महीने के आखिर में दर्जा हरारत में कदरे कमी आएगी। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक जुमे को मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को है और सुबह सवेरे बारिश का इम्कान 30% है और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की कोशिश नाकाम हो गई। शेला जैक्सन ली और बारबरा अली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाई दिए। कांग्रेस मेंबरान शेला जैक्सन और बारबरा अली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाई दिए। रियासत टेनेसी की रिपब्लिकन एंडी ऑगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। ताहम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अराकीन ने इकदाम के खिलाफ जबकि 132 अराकीन ने हिमायत में वोट दिया। बारबरा ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निमटने और अमन व सलामती को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद ज़रूरी है
उनका कहना था माली साल 2024 में पाकिस्तान के लिए $135 मिलियन मुख्तस किए गए थे, जो मौशी मावनत, इंसदादे मंशात, फौजी तालीम व तरबियत, इंसदादे दहशतगर्दी और सेहत के प्रोग्राम पर खर्च किए जाएंगे। शेला जैक्सन का कहना था कि अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी जानों का नजराना दिया, हमारा तावन हमारी मुश्तरका जमहूरी इकदार में जुड़ा है, दो तरफा ताल्लुक दुरुस्त सिंह में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से पाक अमरीका कसीरुलजहती और मतनू ताल्लुक इस्तवार हैं। दोनों ममालिक ने दिफा, इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी और ज़रात में तावन को फ़रोग दिया। तवानाई, आबो हवा, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन ने फरोग पाया। Precisely perspective.